अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज का जो लेक्चर है वो मनी के ऊपर है। इकोनॉमिक्स में मनी का क्या कॉन्सेप्ट है, आइए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्कीम ऑफ लेक्चर आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है। हम मनी की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, मनी के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके यूज को एक्सप्लेन किया जाएगा, देन बार्टर सिस्टम और कुछ पुराने जमाने में जो मनी के तौर पे चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता था, शेल्स को, कॉइन्स को, लेदर को, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ मनी। तो आइए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मनी की डेफिनेशन क्या है जी? मनी इज एनी गुड दैट इज वाइडली यूज्ड एंड एक्सेप्टेड इन ट्रांसैक्शंस इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मनी कोई भी ऐसी चीज है कि जो कि जिसको एक्सेप्ट करते हैं लोग एक विद इन अ सोसाइटी, और उसके जरिए ट्रांसैक्शंस होती हैं, उसके जरिए ट्रांसफर होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। आप मनी देते हैं, वो आपको उसके बदले में गुड और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एक पर्सन पैसा देता है, दूसरा पर्सन उसके मनी के बदले में उसको सर्विस या गुड्स प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे एक सेब देता है, 10 रुपये दिए आपने और एक सेब ले लिया, सही है? तो ये जो है 10 रुपये जो था ये मनी है, और इसके एवज में आपने एक सेब खरीदा, सही है? तो इसके जरिए ट्रांसैक्शन हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, एक्सचेंज हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी सोसाइटी में, तो ये चीज कहलाती है, ये मीडियम कहलाता है जी मनी। इनफैक्ट मनी का एक फंक्शन है जिसको कहा जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और ये इसके प्राइमरी फंक्शन है। एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड इन पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज और इन द रीपेमेंट ऑफ डेट्स। कोई भी चीज जो एक्सेप्टेड होती है पेमेंट में गुड्स और सर्विसेज की, या रीपेमेंट में कर्जों की, डेट्स की, वो मनी कहलाती है। एनीथिंग दैट पासिस फ्रीली फ्रॉम हैंड टू हैंड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज फ्रीली पास होती है एक हाथ से दूसरे हाथ और काम करती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो कहलाती है जी मनी। मनी के फंक्शंस, वैसे तो 4 बेसिक फंक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे उससे ज्यादा आपको बताए हुए, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। जो 4 बेसिक फंक्शंस हैं उनको हमने हाईलाइट किया हुआ। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसकी मदद से हम किसी भी सोसाइटी में गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो हासिल करते हैं, क्योंकि ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है। आप कहीं मनी देते हैं, उसके बदले में दूसरा पर्सन आपको सर्व करता है या आपको कोई गुड प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। अ मेजर ऑफ वैल्यू, इसके जरिए आप चीजों की वैल्यूज को मेजर करते हैं। मनी के टर्म्स में करते हैं ना, आप सेब 10 रुपए का है, केला जो है वो 5 रुपए का है, तो ये मनी के टर्म्स में चीजों को आप मेजर करते हैं। कॉमन मीन्स ऑफ पेमेंट, जब आपने पेमेंट करनी होती है तो आपसे ये तो नहीं कहते जी 100 सोने के सिक्के दे दो या 100 चांदी के सिक्के दे दो। आप मनी के अंदर ही उसको पेमेंट करते हैं कि भाई ये 10,000 रुपए की ले लो, 20,000 रुपए ले लो, इसके बदले में ये चीज दे दो। तो कॉमन मीन्स ऑफ पेमेंट मनी ही है आज भी। इसी तरह स्टोर ऑफ वैल्यू, आप जो वैल्यू स्टोर करते हैं मनी की, ये बड़ी अच्छी बात है कि इसको स्टोर किया जा सकता है, सही है? तो इसको स्टोर किया जाता है। आपके एफर्ट्स हैं, आप किसी कहीं पर काम करते हैं तो वो आपको मनी देते हैं, आप उसको स्टोर कर देते हैं और फिर इन फ्यूचर उसको यूज कर लेते हैं। मनी एज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मनी के जरिए वैल्यू ट्रांसफर होती है किसी भी चीज की। मनी एज ए लिक्विड एसेट, परचेजिंग पावर इज हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। मनी एक लिक्विड एसेट होता है और इसकी मदद से आपके पास परचेजिंग पावर आती है, और परचेजिंग पावर आपकी जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ मनी होती है कि जी आपके पास इतना पैसा है, आपकी इतनी परचेजिंग पावर है, आप ये कार खरीद सकते हैं, सही है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट्स को कहते हैं जी डेफर्ड पेमेंट्स, और बेसिकली वो लोन ही होती है, तो वो भी आप मनी के अंदर ही उसको अदा करते हैं लोन को पैसों की सूरत में। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जो किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम होती है कि वो पूरा जो कंट्री है उसकी कितनी वो गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री प्रोड्यूस करता है एक फाइनेंशियल सर्विसेज ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, तो ये कहलाती है जी, इसको कहते हैं जी नेशनल इनकम। तो मेजर ऑफ जो नेशनल इनकम जो मेजर की जाती है वो भी पैसों के अंदर की जाती है, सही है ना? ये एक चार्ट है, और ये चार्ट
जो की प्राइम फंक्शंस है मनी के, वो बता रहा है कि ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करती है, इसकी मदद से आप गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो हासिल करते हैं इसको देकर, यूनिट ऑफ अकाउंट इसके जरिए से आप चीज़ों की वैल्यूज को मेजर करते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू मनी की सूरत में आप अपनी जो एफर्ट्स हैं चीज़ों की जो कीमत है उसकी सूरत में आप चीज़ों को स्टोर कर, मनी को स्टोर किया जा सकता है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर में जो पेमेंट्स हमें करनी होती हैं वो भी मनी के अंदर ही की जाती हैं, तो मनी एक ऐसा स्टैंडर्ड काम करता है कि भाई मैं आपको इन फ्यूचर इतने दूंगा। इंटरेस्ट रेट निकालते हैं, वो भी जो है इंटरेस्ट जो हमें पे करना होता है वो भी तो इन द फॉर्म ऑफ मनी होता है ना। तो मनी के ये फंक्शंस हैं चार बेसिक, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, इकोनॉमिक्स हैव मेंशन्ड द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। मनी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पढ़ेंगे, कुछ आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। मनी के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक तो ये कि जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, उस वो हर जगह पर हर बंदा उसको एक्सेप्ट करे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक सोसाइटी में, एक कंट्री में, कि भाई इसके जरिए हम चीज़ें बाय और सेल करेंगे। मनी प्रोसेस पजेस ड्यूरेबिलिटी, मनी के अंदर ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, वो ईजिली डिस्ट्रॉयड ना हो जाए, सही है, वो ईजिली वो जब रखें उसको तो उसकी वैल्यू ख़त्म ना हो जाए, सही है। पोर्टेबिलिटी, ईजिली उसको आप मूव कर सकें एक जगह से दूसरी जगह, ये बेसिक इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, सही। यूजेज ऑफ मनी एक्सप्लेन, मनी को के यूजेस को बताने से पहले उसकी एक डेफिनेशन को देख लेते हैं। मनी इज ए गुड दैट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांसैक्शंस। मनी एक गुड है जो कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ट्रांसैक्शन में काम करती है। इट इज अ वे ऑफ अ फॉर ए पर्सन टू ट्रेड व्हाट ही हैज फॉर व्हाट ही वांट्स। ये एक तरीका है जिसमें पर्सन जो है वो जो है ट्रेड कर सकता है, तिजारत कर सकता है उस चीज की जो उसके पास है और वो उस चीज के लिए जिसको वो चाहता है। हाउएवर फॉर द पर्पजेस ऑफ इकोनॉमिक्स, मनी एक्चुअली हैज थ्री डिस्टिंक्ट यूजेस। मनी के तीन तरह के यूजेस होते हैं विच आर नॉट एडिक्वेटली कवर्ड इन द अबव डेफिनेशन, वो इसमें प्रॉपरली कवर नहीं किए गए सिवाय पहले के। पहला जो है वो क्या है जी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी जो है उसके थ्रू देख के हम गुड्स एंड सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट, चीज़ों की वैल्यू जो है वो मनी के अंदर गेज की जाती है, मेजर की जाती है। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद जी, जब मनी नहीं होता था तो उससे पहले जो है वो एक सिस्टम होता था, दैट इज नोन एज द बार्टर सिस्टम। अब ये देखें, पिक्चर आपको दिखा रही है कि एक आदमी ने टमाटर उगाए और दूसरे फार्मर ने जो है वो चावल उगाए, तो अब ये दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं। या एक ने एक के पास जो था वो सेब का बागात बनाए थे, दूसरे ने केले के, अब इस वाले पर्सन को केला खाना है और इस वाले पर्सन को सेब खाना है, तो दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं। दिस इज जो गुड्स एक्सचेंज होती हैं, दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, और कदीम जमाने में यही होता था। लेकिन इसमें बड़ी खामियां थी, क्योंकि दो लोग हैं, उन दोनों कोइंसिडेंस नहीं है। कोइंसिडेंस मीन्स कि उन दोनों की जो दोनों जो है वो उनके, यानी कि एक के पास जो चीज़ है वो दूसरे को और दूसरे के पास जो चीज़ है वो फर्स्ट वन को नहीं चाहिए, तो फिर जो है वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ नीड्स नहीं है, तो फिर हम कभी भी जो है वो बार्टरिंग नहीं कर सकते। अब बार्टर सिस्टम इज एन ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज, पुराने जमाने का मेथड है। दिस सिस्टम हैज़ बीन यूज फॉर सेंचुरीज, सालों तक यूज होता रहा, एंड लॉन्ग बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड। जब पैसे इन्वेंटेड नहीं होते तो लोग चीज़ों के बदले चीज़ें लेते थे, दैट इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। पीपल एक्सचेंज सर्विसेज एंड गुड्स फॉर अदर सर्विसेज एंड गुड्स इन रिटर्न। लोग जो थे वो सर्विस एंड गुड्स के बदले में जो है वो दूसरी सर्विस एंड गुड्स एक्सचेंज करते थे। इसको कहते हैं जी बार्टर सिस्टम। सबसे पहले जो मनी चलना शुरू हुआ वो शेल था। कोस्टल रीजन्स अराउंड इंडियन ओशन सॉ द यूज ऑफ कॉडी शेल्स इन ट्रेड एज अर्ली एज 1200 बिफोर द क्राइस्ट। सैयदना ईसा अलैहि सलाम से 1200 साल पहले लोग जो है वो कौड़ियों के एवज में, कौड़ियों को एज अ करेंसी यूज करते थे। बिकम द फर्स्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और कौड़ियों के बदले में वो चीज़ें हासिल करते थे। शेल्स प्रोटोटाइप ऑफ मनी, शेल को समझ लें कि एक प्रोटोटाइप थी मनी की। फॉर द रीजन दैट बार्टर वॉज अनफेयर टू एक्सटेंड, बार्टर जो था वो बार्टर सिस्टम अनफेयर था, उसमें फेयरनेस नहीं थी। दूसरा बंदा जो आपको कह रहा है उतनी आपको उसको प्रोडक्ट देनी है अगर आपको अपनी उसके साथ एक्सचेंज करनी है, तो ये अनफेयर था, इसलिए फिर लोगों ने कौड़ी शेल्स यूज करना शुरू कर दिया। ये सबसे पहले मनी की
स्टार्ट थी। उर्दू में मुहावरा है कि जी हम एक फूटी कौड़ी आपको नहीं देंगे, तो बेसिकली यही इसी के ऊपर से बनाए। फिर क्वाइनेज आ गई और मेटल्स के वैल्यूएबल गोल्ड सिल्वर गोल्ड और ब्रॉन्ज के लोगों ने कॉइन्स बनाना शुरू कर दिए। आफ्टर द यूज ऑफ शेल द फर्स्ट मेटल मनी वॉज डेवेलप एंड इंट्रोड्यूस्ड। दोज कॉइन्स हैड होल्स इन द मिडल। पुराने जमाने में जो कॉइन्स बनाए गए स्पेशली इन चाइना, उनमें मिडल में होल होता था जिनको वो गले के अंदर लोग पहन लिया करते थे। दे वर इम्प्रिंटेड विद द फेसेस ऑफ द एम्परर्स। उसमें एम्परर्स के और गॉड्स के फेसेस होते थे ताकि उसको एक जो है वो इज्जत दी जा सके। लीडर्स के फेसेस होते थे, जैसे आप देखें तो सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट की बनी हुई सिक्के के ऊपर पिक्चर जो है, सही है ना। लेदर इन 118 बिफोर क्राइस्ट बैंक नोट्स इन द फॉर्म ऑफ लेदर मनी वर यूज्ड इन चाइना। चाइना में ये लेदर के बने हुए मनी इस्तेमाल होते थे। दे वर मेड आउट ऑफ डियर स्किन। वो जो है वो डियर की स्किन के, हिरन की स्किन के बने होते थे। लेदर वॉज यूज एज बैंक नोट, वो बैंक नोट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। पेपर मनी आ गया जी। द फर्स्ट नोन पेपर बैंक नोट अपीयर्ड इन चाइना इन 9th century। नवी सेंचुरी के अंदर जो है, सदी में ये बैंक नोट जो है वो चाइना में पेपर के बने हुए अपीयर हुए। द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो टू चाइना। मार्को पोलो बहुत मशहूर सैयाह थे, जब वो चाइना आए तो उनको भी पेपर मनी का आइडिया आया और वो ये आइडिया लेके यूरोप चले गए। पेपर मनी वॉज डेवेलप्ड आफ्टर ऑल अदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर इंट्रोड्यूस्ड वन आफ्टर द अदर। पेपर मनी जो है वो सबसे एंड में आई है और अब तक सर्वाइव कर रही है। अप टू दिस डे नोट्स पेपर मनी इज यूज्ड एज एविडेंस ऑफ एबिलिटी टू पे। आज तक जो है वो पेपर मनी इस्तेमाल हो रहे हैं एज अ एविडेंस के जी ये बंदा जो है इतने पैसे पे कर सकता है। मनी के जो फंक्शंस हैं उनकी डेप्थ में जाते हैं। एक फंक्शन है, पहला बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बाय डेफिनेशन अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज एनीथिंग दैट इज यूज्ड टू डिटरमिन वैल्यू ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तारीफ के मुताबिक मीडियम ऑफ एक्सचेंज कोई भी ऐसी चीज हो सकती है कि जो चीजों की वैल्यू को जो है वो उसका तखमीना लगाए, उसका हिसाब लगाए जब आप गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करते हैं। मैनी अलाउ अस टू यूज सिस्टम्स ऑफ ट्रेड बियॉन्ड द बार्टर सिस्टम। मनी जो है वो हमें अलाउ करता है कि हम बार्टर सिस्टम के अलावा भी जो है वो ट्रेडिंग कर सकें। बार्टरिंग इज डायरेक्टली ट्रेडिंग वन गुड और सर्विस फॉर अनदर। बार्टरिंग जो है वो ये कि आप एक गुड या एक सर्विस के बदले में ट्रेड करें। योर मनी एक्ट्स एज अ कॉमन ग्राउंड फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू। मनी जो है वो काम करता है कि उसकी मदद से आप जो है वो कॉमन ग्राउंड को डिटरमिन करते हैं और उसके जरिए फिर आप जो है वो वैल्यू डिटरमिन करते हैं और उसके जरिए एक्सचेंज करते हैं प्रोडक्ट्स को। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है। यूनिट ऑफ अकाउंट। मनी कैन बी यूज्ड एज मींस टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दो चीजों की वैल्यूज को, आटा जो है वो जी 50 रुपए किलो है, चीनी जो है वो 80 रुपए किलो है, तो ये यूनिट ऑफ अकाउंट इसकी मदद से आप कंपेयर कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस। यू कैन यूज द मॉनिटरी वैल्यू, जो पैसे की वैल्यू है, मॉनिटरी वैल्यू पैसे से रिलेटेड असाइन टू अ स्पेसिफिक गुड और सर्विस टू कंपेयर इट टू वन ऑफर्ड बाय अ डिफरेंट प्रोवाइडर। मिसाल के तौर पर जोंग का पैकेज जो है वो 500 रुपए का है, सुपर कार्ड और टेलीनॉर का 600 का है, तो ये दो चीजें आप कंपेयर कर रहे हैं, तो मॉनेटरी उसकी वैल्यू यानी पैसों में उसको कंपेयर कर रहे हैं। मनी अलाउज अस टू कंपेयर सिमिलर ऑफर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू डिटरमिन बेस्ट वैल्यू। मनी के जरिए आप जो सिमिलर दो प्रोडक्ट्स हैं, दो पैकेजेस हैं, मोबाइल के सुपर कार्ड्स हैं, और उन दोनों की प्राइसेस अलग अलग हैं, तो मनी से हम डिटरमिन कर रहे हैं ना कि उनकी जो है ना क्या वैल्यू है। अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी इज यूज्ड टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ अ ट्रांजैक्शन ओवर टाइम। इफ यू रिसीव मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर अ गुड और सर्विस, द एक्चुअल अमाउंट दैट यू रिसीव्ड डज नॉट चेंज इफ यू डू नॉट यूज इट इमीडिएटली। यू कैन स्पेंड और एक्सचेंज योर मनी एट अ लेटर टाइम विदाउट पेनल्टी। हाउएवर द फंक्शनल वैल्यू ऑफ द स्टोर्ड मनी मे चेंज ओवर टाइम ड्यू टू अदर फैक्टर्स। मनी जो है वो आपने ओवर टाइम आपने ट्रांजेक्शन करनी है तो उसको आप स्टोर कर सकते हैं। मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू,
इस्तेमाल होती है, सही है, तो ये मनी को और फिर आप फर्दर उसको फ्यूचर में जाके यूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मनी, कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, पेपर मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, ये टाइप्स है मनी की। कमोडिटी मनी क्या होती है? कमोडिटी मनी, द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ मनी इज कमोडिटी मनी। बड़ी जो है वो बेसिक किस्म की जो मनी होती है वो जो है वो कमोडिटी मनी होती है। सम यूजफुल कमोडिटी दैट इज जनरल इज इन जनरल डिमांड इज यूज्ड एज अ एक्सचेंज मीडियम एंड मे सर्व बोथ एज मीन्स ऑफ पेमेंट एंड मेजर ऑफ वैल्यू। अगर आप जो है वो पुराने जमाने में कोई ऐसी कॉमन चीज को, ऐसी कमोडिटी को, चीज मिसाल के तौर पे सोना है, चांदी है या और कोई ऐसी, जिसके बदले में आप कोई शुगर है, टी है, टोबैको शेल्स है, उसकी मदद से आप एक्सचेंज करें गुड्स एंड सर्विसेज को, और वो दो तरह के काम करेगा। एक तो आप उसके जरिए पेमेंट कर सकेंगे और एक उसके जरिए चीजों की वैल्यू मेजर कर सकेंगे। जैसे जो है वो आटा जो है वो 10 कौड़ियों का मिल रहा है, 10 कौड़ियां दे तो एक आटे की बोरी मिल रही है, और चीनी की बोरी जो है, गुड़ की बोरी, वो 2 आटे की कौड़ियों पर मिल रही है, 2 कौड़ियों पर मिल रही है। तो ये कंपैरिजन आप कर सकते हैं। एग्जांपल कोई भी गुड़ हो सकती है, टी के को आप यूज कर सकते हैं एज कमोडिटी मनी, शुगर को कर सकते हैं, वीट को कर सकते हैं। मुसलमानों के जमाने में ये हुआ कि बादशाह जो थे वो जिनको भी कोई इनाम इकराम देना होता था या जिनको भी वो कोई देना होती थी, पेमेंट करनी होती थी गवर्नमेंट ने, तो वो बादशाहों के जो हरकारे होते थे वो एक दे देते थे जी, एक पर्ची बना के दे देते थे कि इतना किलो आटा। तो अब लोगों के पास जमा होना शुरू हो गई, तो लोगों ने उन पर्चियों को यूज करना शुरू कर दिया एज मनी। तो ये कमोडिटी मनी हो गया ना, कि भाई आप ये ले लो, ये 2 जो है ना ये पर्चियां ले लो 10-10 किलो आटे की और ये दे दो हमें, और वो बाद में फिर वहां से आटा ले लेते थे दिखा के। बात आ रही है समझ? तो ये कमोडिटी मनी है ना, आटे को आप एज मनी यूज कर रहे हो। अच्छा जी, मेटालिक मनी, थ्रू आउट द हिस्ट्री वेरियस मेटल्स, सम ऑफ विच आर कंसिडर्ड एज प्रीशियस टूडे, appear to have been used as a form of currency. The Bretton Woods system, under which all major currencies were theoretically interchangeable for gold, was abolished in 1971. पुराने जमाने में मेटालिक मनी इस्तेमाल होती थी और उसके अंदर गोल्ड भी यूज होता था, और ब्रिटन वुड सिस्टम जो था ये बेसिकली गोल्ड स्टैंडर्ड पे बेस करता था। इसमें बाकायदा थ्योरेटिकली हमारे पास फार्मूला था जिससे हम जो है वो करेंसी की जो वैल्यू है वो बताते थे कि जी ये जो नोट है ये सोने के हिसाब से इसकी कितनी वैल्यू बनती है, सोने से कंपेयर करके बनाया जाता था वैल्यू को। यानी उसके पीछे आपने देखा होगा पुराने उर्दू के जो हमारे जो पाकिस्तानी करेंसी के नोट थे उन पर लिखा होता हा मिले हाजा को अदा करेगा, तो वो ये होता था कि भाई वो गोल्ड उसकी प्राइस का 10 रुपए के नोट की या 100 रुपए के नोट की प्राइस के बराबर गोल्ड बैंक में है और वो उसको फिर प्रोवाइड करेगा अगर वो मांगेगा तो। सही है, तो वो बताने का मकसद है कि बाद में जब ब्रिटन वुड एग्रीमेंट खत्म हुआ, डिमोलिश हुआ, तो फिर ये चीज खत्म हो गई 71 में, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी ये हुआ कि सदर निक्सन के जमाने में सारे जो लोग थे उन्होंने जो है वो कंट्रीज जो थे, फ्रांस था, ये अमेरिका में कोरिया वगैरह में वॉर भी हुई, तो अमेरिका ने कहा कि भाई ये जो है ना, अमेरिका ने ज्यादा नोट छापे, और जब ब्रिटन वुड एग्रीमेंट हुआ था तो अमेरिका ने कहा सब डॉलर में ट्रेड करेंगे, और मैं आपको जब भी आपके पास, आप मेरे पास कंट्रीज जो आएंगे बड़े जो फॉरेन ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, वो मेरे पास आएंगे, मैं उनको उस डॉलर के वजह में सोना दूंगा। और अमेरिका के पास उस वक्त सबसे ज्यादा सोना था, 8,000 टन अमेरिका इलेक्ट हो गया जी, अमेरिका की बात मान ली गई और डॉलर को बना दिया गया जी करेंसी, पूरी दुनिया की जो फॉरेन ट्रेड होती है वो डॉलर में होने लगी। तो डॉलर के पीछे उस वक्त एक प्राइस होती थी, उस नोट के इक्विवेलेंट सोना होता था जिसकी वजह से आपके पास वो करेंसी नोट होता था। लेकिन उसके बाद इन्होंने ये खत्म कर दिया और ये जो है डॉलर का, जब इन्होंने जो है वो 71 में इन्होंने ज्यादा नोट छापे और फिर जो है फ्रांस इनके पास चला गया और मुल्क चले गए, उन्होंने कहा भाई दो
हमारा सोना दो, ये लो अपने जो है ना ये पेपर के बने हुए डॉलर के नोट ले लो और हमें सोना दे दो। तो निक्सन ने कहा इससे तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा फेडरल रिजर्व को, सही है। तो उन्होंने फिर ये किया कि उन्होंने मना कर दिया, बोला हम मुआहदे से पीछे हटते हैं, ब्रेटन वुड सिस्टम से, एग्रीमेंट से, और हम ये 1944 या 43 इस तरह से हुआ था ये, तो कहा जी हम बैक करते हैं इससे। ये बैक कर गए उससे, और कंट्रीज के पास जितने सारे डॉलर पड़े हुए थे जो उन्होंने चीजें बेच बेच के, फ्रांस ने, जर्मनी, पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स बना के बेचते थे, और उसके बाद उनके पास इन, अब जो है वो परेशान थे कि उसका कोई क्या इस्तेमाल करें, कोई चीज उससे आती नहीं है। तो फिर अमेरिकन जो थे ये सऊदीया गए और वहां पे उनसे कहा कि जी आप जो अपने 73 तक ये चला मामला, और उन्होंने कहा जी आपकी जो भी पेमेंट हो हम आपको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको हथियार प्रोवाइड करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपने जो है वो जो भी आपने ऑयल खरीदना है, सॉरी वो जो भी आपने ऑयल दूसरे कंट्रीज को भेजना है उसमें जो पेमेंट आपने लेनी है वो फॉरेन करेंसी में लेनी है। ब्रिटन वुड एग्रीमेंट से पहले सारी ये 71 से पहले ये सारी जो पेमेंट होती थी हम जो फॉरेन ट्रेड हो रही थी सऊदी अरब से ऑयल की, वो गोल्ड में हो रही थी, वो गोल्ड लेते थे। लेकिन जब ये अमेरिका ने इसको मानने से इनकार कर दिया एग्रीमेंट को, तो अमेरिका ने उनको मजबूर किया कि आप सारी जो ट्रेड है वो करें जी किस में, वो करें डॉलर में, गोल्ड में नहीं करें। और जब ये बात वो मान गए तो फिर क्या हुआ कि जो फ्रांस के पास डॉलर थे, जर्मनी के पास डॉलर थे, चीजें बेच बेच के कमाए थे, और भी कंट्रीज ने, उनका फिर उसको फायदा हो गया। उनके एवज में उन्होंने क्या करना शुरू किया, ऑयल लेना शुरू कर दिया, ऑयल बाय करना शुरू कर दिया। तो ये है ब्रिटन वुड की कहानी। और फिर डॉलर जो है वो पेट्रो डॉलर बन गया क्योंकि उसके पीछे पेट्रोल की पावर आ गई। तो मेटालिक मनी होती है पेपर मनी, अ कंट्रीज ऑफिशियल पेपर करेंसी दैट इज सर्कुलेटेड फॉर ट्रांसैक्शन रिलेटेड पर्पसेस। हर कंट्री की कोई ना कोई जो है वो, किसी की दिनार होती है, किसी की रियाल होती है, लेकिन हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है पेपर, और उसके जरिए ट्रांसैक्शन की जाती है उस कंट्री में। द प्रिंटिंग ऑफ पेपर मनी इज टिपिकली रेगुलेटेड बाय अ कंट्री सेंट्रल बैंक। जो किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो रेगुलेट करता है, वो इशू करता है करेंसी इन ऑर्डर टू कीप द फ्लो ऑफ मनी इन लाइन विद मॉनिटरी पॉलिसी, ताकि वो मनी का जो फ्लो है मार्केट में उसको वो जो है वो कंट्रोल कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक मनी, द मनी स्टोर्ड इन सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कैश कार्ड, ये जो आपके कार्ड्स होते हैं इनके अंदर जो मनी होती है ये सारी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मनी कहलाती है। ट्रांसैक्शंस आर मेड इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली आप जाते हैं जी और आप मोबाइल के थ्रू पे कर देते हैं, या आप इंटरनेट पे जाके अपना वेबसाइट पे नंबर डालते हैं और वहीं से आपकी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाती है। एग्जाम्पल्स आर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड एक्सेट्रा, सही है। अभी आप जाते हैं तो पैसे लेके तो नहीं जाते ना पेट्रोल डलवाने, आप लेके जाते हैं जी अपना मास्टर कार्ड ले जाते हैं आप, डेबिट कार्ड ले जाते हैं आप, या क्रेडिट कार्ड ले जाते हैं, आपने पेट्रोल डलवाया, स्वाइप किया, पेमेंट कर दी। व्हाट देन इज मनी, मनी क्या होता है। एन आइटम मस्ट हैव सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी कंसीडर्ड एज मनी, किसी भी आइटम में छह तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए ताकि वो क्लासिफाई हो एज मनी। नंबर वन ड्यूरेबिलिटी, वो आसानी से ब्रेक ना हो, डैमेज ना हो जाए। पोर्टेबिलिटी, इजीली उसको मूव किया जा सके एक जगह से दूसरी जगह। डिविजिबिलिटी, उसके छोटे छोटे फ्रैक्शंस हो, फ्रैक्शंस बनी हो उसकी, छोटे छोटे उसके हिस्से बने हो ताकि वो इजीली हम लेन देन कर सकें। यूनिफॉर्मिटी, एक विद इन अ कंट्री 100 रुपए का नोट एक जैसा होगा पूरे कंट्री में, सही है, 50 का एक जैसा होगा, ये नहीं 50 के 3-4 नोट चल रहे हैं, 3-4 बैंकों को आपने जा दिए छापने के, नहीं एक ही बैंक है जो सारे मनी छापता है, दैट इज अ सेंट्रल बैंक। लिमिटेड सप्लाई, मनी की सप्लाई लिमिटेड होनी चाहिए, अगर लिमिटेड नहीं होगी तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी। एक्सेप्टेबिलिटी, मनी को हर कोई एक्सेप्ट करे विद इन स्पेसिफिक सोसाइटी, जिस चीज को आपने मनी बनाया हुआ, ये रोमन कॉइन भी आपको नजर आ रहा है और उसके ऊपर एक सील से भी नजर आ रही है, तो आप अंदाजा लगाएं मेटालिक जो मनी है, कॉइन्स है, वो कितने पुराने हैं। ड्यूरेबिलिटी मीन्स दैट द आइटम मस्ट बी एबल टू विदस्टैंड
बीइंग यूज रिपीटेडली, आइटम के अंदर ये पावर होनी चाहिए कि बार बार वो इस्तेमाल हो और उसको कुछ ना हो, डैमेज ना हो. आइटम दैट आर कंसिडर्ड करेंसी कॉइन्स एंड पेपर बिल्स यूज्ड एज मनी मीट दिस रिक्वायरमेंट. जो कॉइन्स हैं, जो पेपर बिल मनी के जो नोट्स हैं, बैंक नोट्स, वो इस ड्यूरेबिलिटी के करेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करते हैं. पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी मीन्स दैट इंडिविजुअल आर एबल टू कैरी मनी विद देम एंड ट्रांसफर इट इजीली टू अदर इंडिविजुअल्स. इजीली आप उसको सिक्कों को जेब में रख लेते हैं, कॉइन्स को आप इजीली बैंक नोट्स को जेब में रख लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. दिस इज वाई कॉइन्स एंड पेपर मनी हैव हिस्टोरिकली प्रूव पॉपुलर. इसी की वजह से जो कॉइन्स हैं या जो पेपर मनी है उसको पॉपुलरिटी हासिल हुई है. डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी मीन्स, ये भी एक करेक्टरिस्टिक है मनी का, डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी मीन्स दैट मनी है कैन इजीली बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स ऑफ वैल्यू, कि मनी को इजीली छोटे यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया जा सके. टुडे डिफरेंट कॉइन्स एंड नोट्स कन्वे दीज फ्रैक्शनल वैल्यूज. आजकल मुख्तलिफ किस्म के नोट्स होते हैं वैल्यूज के, 10 रुपए का भी है, 50 रुपए का भी है, 500 का भी है, 5000, 1000 का भी है. तो यहाँ पर आजकल मुख्तलिफ कॉइन्स और नोट जो हैं वो ये फ्रैक्शनल वैल्यूज जो हैं ये रखते हैं. यूनिफॉर्मिटी मीन्स दैट ऑल वर्जन्स ऑफ द सेम डोमिनियन ऑफ करेंसी मस्ट हैव सेम परचेजिंग पावर. सब में सेम परचेजिंग पावर होनी चाहिए. ये नहीं है कि कोई 8 का 100 रुपया है तो ये जो है ना ये लहिया का है. सारे उसकी परचेजिंग पावर सेम होगी, अपीयरेंस उसकी सेम होगी. As an example, in 1928, $2 bill will still buy $2 worth of goods or service today. जो 1928 में जो $2 से उस जमाने के हिसाब से जो चीजें buy की जा सकती थी, इस जमाने के हिसाब से जो चीजें हैं वो $2 से वो buy की जा सकती हैं. Limited supply. Limited supply means that restrictions on the amount of money in circulation ensured that values remain relatively constant for the currency. अगर उसकी supply limited है तो वो ये ensure करती है circulation में कि जो money है, currency है, उसकी price constant रहेगी. The responsibility of maintaining an adequate money supply falls on the Federal Reserve System. जो भी आपकी जो responsibility है, जिम्मेदारी है कि हम एक suitable supply जो है वो बरकरार रखें मनी की सर्कुलेशन में, ये जिम्मेदारी फेडरल रिजर्व सिस्टम की होती है, या हमारे केस में जो है वो SOP यानी SBP यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है. एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी मींस दैट एवरीवन मस्ट बी एबल टू यूज द मनी फॉर ट्रांजेक्शन. हर बंदा उसको ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सकता है. एग्जाम्पल इन द US दिस इज इंडिकेटेड on our paper bill by notation. This note is legal tender of all debts, public and private. Yani ke wo keh raha hai ki ji ye note jo hai ye legal tender hai, iske zariye aap tamam tar karze debts jo hai public private jo hai uske liye isko istemal kar sakte hain. Acceptability honi chahiye money ko, har person usko mane ke ye jo hai wo money hai. Summary aaj ke lecture ki, anything that is generally accepted in payment for goods or services or in the repayment of debts is called money. Koi bhi cheez jo generally accepted ho payment ke andar goods and services ki or in repayment of debts ya jo hai wo hum jo repayment karna chahte hain usko money kaha jata hai. Money ki char jo hai wo kya kehte hain, char jo functions hain important, ek medium of exchange hai कि मनी के थ्रू हम मनी दे के गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हासिल करते हैं. यूनिट ऑफ अकाउंट मनी की जरिए हम चीज़ों की वैल्यूज को मेजर करते हैं. स्टोर ऑफ वैल्यू मनी की सूरत में हम अपनी वेल्थ को, अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं. और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट जो होती है उसका भी जो स्टैंडर्ड होता है वो मनी होता है, मनी के अंदर ही वो की जाती है. ये था आज का लेक्चर. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. थैंक यू क्लास. अस्सलाम वालेकुम.